अच्छा जी, 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा देश भर में मनाया जाएगा, तो विश्वकर्मा पूजा में पूजा विधि क्या होनी चाहिए और पूजन सामग्री? हर हर महादेव, जय बाबा विद्यनाथ। 17 सितंबर को जो संक्रांति होती है, उसी दिन भगवान विश्वकर्मा की पूजा होती है। विश्वकर्मा जो हैं वह इसलिए पूजे जाते हैं क्योंकि भवन निर्माण के वो देवता हैं, और विशेष रूप से वास्तु के स्थान पर विश्वकर्मा की पूजा विशेष होती है, या वाहन खरीदते हैं तो विश्वकर्मा की पूजा आप करते हैं। निश्चित रूप से आपके घर में विश्वकर्मा भगवान का फोटो या मूर्ति रहता ही है। जिस प्रकार से आप गणेश लक्ष्मी की पूजा करते हैं सुख और समृद्धि के लिए, उसी प्रकार से भगवान विश्वकर्मा की पूजा जो होती है वास्तु के हिसाब से घर बनाने के लिए या वाहन के लिए शुभ माना जाता है। तो विश्वकर्मा भगवान का जो पूजा है वह 17 सितंबर को इस वर्ष जो होगा, उस दिन आप 16 उपचार से 16 उपचार से विश्वकर्मा भगवान की पूजा करें। विश्वकर्मा भगवान की पूजा में विशेष रूप से खीरा अवश्य होना चाहिए। उसमें खीरा की विशेष महत्व बतलाया गया है। खीरा से भगवान विश्वकर्मा ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, और सीजन का जो है फल और फूल निश्चित चढ़ाएं। भगवान विश्वकर्मा की प्रतिष्ठा करके 16 उपचार से पूजन करें, वस्त्र अर्पण करें और खीरा का भोग अवश्य लगाएं। इससे विश्वकर्मा भगवान अति प्रसन्न होते हैं। रात्रि जागरण का भी विधान है। विश्वकर्मा पूजा जिस दिन हो उस दिन रात में भगवान विश्वकर्मा का भजन और पूजन करना चाहिए, क्योंकि विश्वकर्मा भगवान जो हैं वह भी विष्णु ही हैं। विष्णु मंत्र से ही विश्वकर्मा भगवान की पूजा होती है, इसलिए भगवान विश्वकर्मा का 16 उपचार से पूजन कर रात में जागरण निश्चित रूप से करें। प्रातः काल दूसरे दिन हवन इत्यादि करके इसके बाद आप प्रतिमा विसर्जन कर सकते हैं।